दसवीं कक्षा के बोर्ड परिणामों में मनवा के स्कूलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों का परिणाम 99.23% रहा है। तीन स्कूलों में 100% परिणाम रहा। बुधवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी ने विद्यार्थियों को सम्मानित करके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मनपा मुख्यालय में हुए समारोह में शिक्षण अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सहायक शिक्षण अधिकारी सुभाष उपासे, राजेंद्र सूके, संजय दिघोरे और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति थी। सर्वांना मी मनापासून पहिला अभिनंदन करतो आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे, त्यांच्या शिक्षणाचा पुढच्या टप्प्यावर नेण्याकरिता अहोरात्र प्रयत्न करणारे त्यांचे पालक आणि त्यांचा कायम त्यांचे मार्गदर्शन करत राहणारे त्यांचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळेचा शाळेमध्ये काम करणारे आपल्या सर्व शिक्षण विभागाचे अधिकारी कर्मचारी सर्वांना मी पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो। आपल्याला माहिती आहे जे आपल्या शिक्षणाचा सिस्टममध्ये जे 10वी आणि 12वी अत्यंत महत्त्वाचं माइलस्टोन असा समजले जाते, यांचं पुढील वाटचालीसाठी जे काही त्यांनी पुढे कॉलेजमध्ये जाणार, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतील किंवा अन्य काही क्षेत्रामध्ये जाऊन त्यांनी करत असताना कायम ह्या 10वी किंवा 12वीचं त्यांनी जे प्राप्त झाले, प्राप्त करून घेतलेले जे गुण, ते कायम त्यांच्यासोबत राहणार आहे। शाईन क्षेत्र से 89.33% से पास हुई हूँ। स्कूल की टीचर्स, स्कूल के स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की स्टडीज़ में भी और प्रैक्टिकल के टाइम पे भी उन्होंने अच्छे से गाइडेंस दिया हमको और सब अच्छे से हुआ। मुझे MBA MBS करना है, नीट की तैयारी कर रही हूँ। MA के आज़ाद कॉलेज से कॉमर्स स्ट्रीम से 76.50% से पास हुई हूँ। ऑनलाइन क्लास भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से, हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, सेल्फ स्टडी की बहुत, और टीचर भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाए हमें, आगे में BCom वगैरह की पढ़ाई करें। आज से मुझे 77.50% बनी है, टीचर बनना है BA करके। सर टीचर तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से समझाते थे, बस फेस टू फेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।